ओम शांति। हम सभी कितने भाग्यवान हैं कि स्वयं भगवान हमें ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, एक सुंदर विद्या हमें प्रदान कर रहे हैं। जो राजयोग उन्होंने कल पहले सिखाया था वही पुनः सिखा रहे हैं। ऐसी पढ़ाई संसार में और कोई होती ही नहीं। हम एक महान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी और महान सुप्रीम टीचर के स्टूडेंट हैं। ऐसी पढ़ाई जिससे हमें डबल सिर ताज राजाई प्राप्त होती है। जरा सोचें, ऐसी पढ़ाई पढ़ने के लिए हम कितना ध्यान दे रहे हैं? क्या ऐसी पढ़ाई पर हमारा संपूर्ण अटेंशन है या हमारे पास पढ़ने के लिए समय ही नहीं है? क्या है हमारी स्थिति? हमारे पास और चीजों के लिए समय है, टीवी देखने के लिए समय है, इधर उधर की किताबें पत्र पत्रिकाएं पढ़ने के लिए बहुत समय है, परंतु भगवान की पढ़ाई पढ़ने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। तो जो पढ़ाई हमें ज्ञान का बल देती है, जो पढ़ाई हमें दिव्य बुद्धि प्रदान करती है, जो पढ़ाई हमें समस्याओं का समाधान देती है, जिस पढ़ाई से हम सदा सदा के लिए ज्ञान धन से भरपूर हो जाते हैं, हमारी सत्य की खोज पूर्ण हो जाती है, उस पढ़ाई पर हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। हमें तो अपनी वृत्ति से इस संपूर्ण विश्व को परिवर्तन करना है। हमारी वृत्ति दो विशेष रूप से सदा रहे, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। सब आत्माओं को देखो, मुझे इनका कल्याण करना है। अपने आसपास आपके मित्र संबंधी, साथ में काम करने वाले फ्रेंड, सबको देखकर संकल्प करें, मुझे इन सब का कल्याण करना है, मुझे इन सब को मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी है, मैं तो विश्व कल्याणकारी हूँ। दूसरा, मैं तो पवित्रता का फरिश्ता हूँ, प्रकृति का मालिक हूँ, ये वृत्ति रहे, मैं तो परम पवित्र हूँ। जहाँ जहाँ मेरी दृष्टि जाएगी वहाँ वहाँ सभी आत्माएं पवित्र बनती जाएंगी। बहुत सुंदर ये बात है। हमारी पवित्रता से संसार की अनेक आत्माएं और ये संपूर्ण प्रकृति दोनों ही पावन बनती रहती हैं। हमारी ये वृत्ति भी विश्व कल्याण का कार्य करती रहेगी। संकल्प करें, जहाँ जहाँ हमारे कदम पड़ेंगे ये वसुंधरा पावन बनती जाएगी, जहाँ जहाँ हमारे हाथ स्पर्श होंगे वो वस्तुएं पावन बनती जाएंगी। हमारे पवित्र संकल्प चारों ओर के वायुमंडल को पवित्र करते जाएंगे। हमारे फरिश्ता स्वरूप की स्थिति, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, इससे सारा वायुमंडल बदलेगा और विश्व की आत्माओं को संदेश मिलेगा। दूसरा, हमारे श्रेष्ठ कर्म सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाएंगे। तो हमें अपने कर्मों पर भी बहुत ध्यान देना है। अब हमें वे कर्म नहीं करने हैं जो कर्म संसार के लोग कर रहे हैं। हम संसार से अलग हैं, उनसे महान हैं, उनके लिए आदर्श हैं, चमकते हुए ज्ञान सूर्य हैं। तो आज हम इस स्वमान का अभ्यास करेंगे, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ और मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मुझसे चारों प्रकाश फैलता है जिससे विश्व का कल्याण होता है। और ड्रिल करेंगे कि हम सूक्ष्म लोक में हैं, सामने हैं बाप दादा। बाबा को देखेंगे, बहुत तेजस्वी स्वरूप, बाबा के अंग अंग से बहुत तेजस्वी गोल्डन किरणें फैल रही हैं और मस्तक में ज्ञान सूर्य शिव बाबा चमक रहे हैं और उन्होंने
अपनी हजार भुजाओं की छत्र छाया मेरे सिर के ऊपर फैला दी है। हजार भुजाएं मेरे सिर के ऊपर हैं। बहुत गुड फीलिंग करेंगे हर घंटे में एक बार और स्वयं को शक्तिशाली बनाएंगे। ओम शांति।